नमस्कार, आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 203 की बात करते हैं। और आज भी हम लोग मेष लगन की ही बात करेंगे और मेष लगन में आज मंगल की स्थिति को समझेंगे। हम लोग छोटे छोटे पाठ बना करके पढ़ते हैं और तीन पाठ में हम मेष लगन में मंगल की स्थिति को समझ लेंगे। तो सबसे पहले मंगल को जानिए। मंगल अशुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, लेकिन इस पत्रिका में तात्कालिक रूप से लग्नेश और साथ साथ में अष्टमेश भी है। मंगल उच्च का काल पुरुष के पत्रिका में दसवें नंबर में होता है, दसवें नंबर भाव में होता है मकर राशि का, ये भी हम लोग जानते हैं। मंगल की मित्र राशि सूर्य चंद्र गुरु की राशि मित्र राशि होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, वो तीन और छह की राशि होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब यहां क्या मंगल अशुभ ग्रह है और तीन छह उसके शत्रु की राशि है, तो क्या उसमें जाकर के ये सुखी होंगे या नहीं होंगे? एक तरफ हम ही कहते हैं कि अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों में जाकर के शुभ फल देंगे, और दूसरी बात जब आप लोग अवस्था फल की बात करते हैं तो वहां इसको शत्रु राशि में देखते हैं। तो यहां शत्रु राशि में देखते भी हैं और ये तीसरे और छठे के कारक भी हैं, तो क्या कुछ फलों में कमी करेंगे या नहीं करेंगे? अब यहां सारे सिद्धांतों को पढ़ करके सभी सिद्धांतों को यथावत शत प्रतिशत सच मानना, लेकिन उसमें क्या फल की कमी होगी, कितना फल बढ़ेगा, इस सब को अब सामर्थ्य ज्योतिष है। आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप अब उसको समझ सकें और बता सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि मंगल यदि मेष राशि में ही हो जाए तो मंगल क्षत्रिय है। पंच तत्वों में मंगल को अग्नि का कारक कहा गया है, हम ये सब जानते हैं। मंगल सूर्य का मित्र है, ये भी जानते हैं। मंगल बुध को शत्रु मानता है, ये भी जानते हैं। अब अशुभ ग्रह है, लेकिन तात्कालिक रूप से लग्न का स्वामी होने के कारण मंगल को शुभ कहेंगे, और चाहे वो लग्न के स्वामी है नहीं है, अपने भाव में कोई भी ग्रह बलवान होता है उस भाव को भी बलवान करता है। तो ये स्वयं की राशि में है इसलिए ये बलवान है। और ऐसे जातक तुरंत डिसीजन लेकर के काम करने वाले, ऐसे जातक बहुत ही साहसी होते हैं। ऐसे जातक वाणी का तो प्रयोग करते ही हैं, लड़ाई झगड़े में अपने हाथ पांव का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात यदि लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें भी चतुर होते हैं, उसमें भी किसी से हार ना मानेंगे, ये समझना चाहिए। अब क्या अष्टमेश यदि लग्न में ही है ऐसा भी मान लें तो आयु की वृद्धि होगी, अष्टमेश केंद्र में चला जाए तो आयु की वृद्धि होगी। तो ये हम लोगों ने समझा। मंगल की दृष्टि चार, क्षमा चाहेंगे तीन, चौथी सातवीं और आठवीं। तो अब इनकी दृष्टियों को हम हमेशा बुरा ही कहते हैं, तो चौथी दृष्टि से ये चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो हमारे सुख में जरूर कुछ ना कुछ कमी करेंगे। ऐसे जातक घर से बाहर जाकर के बड़े सुखी होते हैं और अपने ही निवास पे रहते हैं तो कभी कभी बहुत सुखी नहीं होते। मंगल की दृष्टि सातवीं, तो पत्नी के साथ नोकझोंक होता ही रहेगा, साझेदारी के व्यवसाय में भी हमको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मंगल की आठवीं दृष्टि आयु स्थान पर, और वो उनका स्वयं का घर है इसलिए अपने घर को देखेंगे तो उस घर की वृद्धि करेंगे, अर्थात आयु की वृद्धि करेंगे, गुप्त ज्ञान होगा। ऐसे जातक तार्किक होते हैं और ज्योतिष भी हो सकते हैं। ये आप लोगों ने देखा कि दृष्टियों को हम एक ही शर्त पे अच्छा कहते हैं, यदि वो अपने घर को देख रहा हो, लेकिन वहां अपने उसके भी घर में यदि कोई अन्य ग्रह बैठे हो तो उसको वो पीड़ित जरूर करता है। तो पहले भाव का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया कि हम किससे संबंधित, लग्न से ही संबंधित सारे रिजल्ट ज्यादातर बताएंगे, उसके बाद चतुर्थ से, सप्तम से और अष्टम से संबंधित रिजल्ट बताएंगे। और क्या रिजल्ट बताएंगे, कैसे बताएंगे, ये सब आप लोगों ने समझ लिया। आप मंगल को यदि दूसरे स्थान में रख दें तो यहां वाणी बड़ा ही लॉजिकली बोलेगा, तर्कपूर्ण वाणी बोलेगा,
और तर्कपूर्ण ढंग से ही समझना भी चाहेगा। कुटुंबों के साथ रिलेशन व्यवहारिक होगा, लेकिन परिस्थिति असामान्य होने पे ये क्रूएल हो सकता है, क्रोधित हो सकता है और अपने कुटुंबों को पीड़ा पहुंचा सकता है। धन के क्षेत्र में भी हम यही कहेंगे कि बड़े विचारशील होकर के कहीं निवेश करना चाहेंगे, लेकिन अशुभ ग्रह होने के कारण कभी कभी जल्दबाजी करके धन का नुकसान भी कर जाएंगे। अब वही दृष्टियों की बात कर लें तो यहाँ से एक दो तीन चार चौथी दृष्टि पंचम स्थान, तो हायर एजुकेशन में परेशानी हो सकती है, संतान के होने में परेशानी हो सकती है। अब चूंकि चलिए ज्योतिष और रोग में ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम लोग कहते हैं गर्भाशय के जो भीतरी दीवार होते हैं उसके कारक ग्रह मंगल को कहे गए हैं, और यदि मंगल पंचम को देख रहा है तो गर्भ ठहरने में परेशानी हो जाती है, तो इसको हम लोग आगे ज्योतिष रोग में पढ़ेंगे। तब मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम स्थान, तो आयु की वृद्धि हो जाएगी, और मंगल की दृष्टि नवम स्थान। कहते हैं गुरु का घर है, मित्र का ही घर है, उसको देखेंगे तो परेशान होंगे करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे। ऐसे जातक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते, अनुशासित होंगे ये हमने कहा। क्या धर्म में उतने तन्मयता के साथ लगे रहेंगे? नहीं लगे रहेंगे। पिता के साथ क्या मतभेद होगा? होना चाहिए। तो ये देखा ना, दूसरे स्थान की स्थिति और उसके दृष्टि के अनुकूल क्या जो फल होगा वही हमने आप लोगों को बताया। अब तीसरे मंगल स्थित हो जाए तो मेष लग्न में तीसरे मंगल अपने शत्रु राशि के होते हैं, तो अवस्था फल के अनुसार आप लोग जो पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मंगल को तीसरे छठे ग्यारहवें जाने का दोष नहीं लगता। अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों से शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन चूंकि शत्रु राशि के होने के कारण और प्लस तीसरे स्थान से संबंधित अर्थात नौकर चाकर के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो, भाई के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो, हम खेल अच्छा सकते हो लेकिन हमेशा इंजर्ड हो जाते हो, किसी न किसी तरह से हमको चोट चपेट लग जाता हो जिसके वजह से हम खेल में अच्छा नाम न कर सकें, इसकी संभावना। अब ये यहां से सप्तम स्थान को नवम स्थान को देखेगा, तो नवम स्थान से संबंधित परेशानी जो हमने कहा पिछले दूसरे में भी बैठ के नवम को देखता था और यहां से भी सीधी दृष्टि नवम के ऊपर है, तब लग्नेश है तो हम मंगल को अच्छा मान ले ये नहीं कहेंगे। मंगल अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है तो है, उसकी दृष्टियों में अशुभता होंगी तो होंगी। अब नवम के साथ साथ ये दशम स्थान को भी देखते हैं तो क्या कहेंगे? उच्च दृष्टि रखते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं मानते, इसीलिए हम हमेशा मना करते हैं कि हम इसी संदर्भ को भृगु संहिता जो पुस्तक है उससे हम इस संदर्भ से ही सहमत नहीं है। आगे हमने कहना है कि ये इस स्थान को भी पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इस स्थान को भी पीड़ा पहुंचा सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में आज यहाँ काम कर रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर हमको जॉब बदलना पड़ रहा हो, अपने सहकर्मियों के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। पिता स्थान को देख रहे हैं तो पिता से मानसिक बैर हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। तो हम लोगों ने देखा कि कितना सरल है किसी भी बात को समझना। क्रम से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, इसीलिए हम हमेशा क्रम की बात करते हैं, और यदि क्रम छूटेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ज्योतिष छूट जाएगा। अब आ जाते हैं, मंगल को चतुर्थ स्थान में रखते हैं। अब ये चतुर्थ स्थान में मंगल को हम नीच का कह दें या मित्र राशि का कह दें, अधिकांश ज्योतिष अपने सुविधानुसार इसका प्रयोग करते हैं। सामने वाले जातक को यदि परेशान करना हो तो कहेंगे नीच का मंगल बैठा है, और सामने वाले जातक को यदि प्रसन्न करना हो वो कहेंगे कि अपने ही राशि का बैठा है और अपने उच्च राशि का अपने मित्र राशि का बैठा अपने उच्च राशि को दृष्टि दे रहा है, बड़ा अच्छा है। हम आप लोगों से हमेशा निवेदन करते हैं कि ज्योतिष के यथार्थ को समझने का प्रयास कीजिए।
हमारे शास्त्रों में किस तरह से इसकी व्याख्या की गई है उसको समझिए। आप अपने सामने बैठे जातक या क्लाइंट को खुश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ क्या निर्णय लेते हैं, आप यथार्थ में ज्योतिष बताना चाहते हैं या सामने वाले को ठगना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। तो हम यहाँ कर्क राशि में नीच का है तो कहेंगे नीच का है, मित्र राशि का है ये भी सही बात है मित्र राशि का है, लेकिन जहाँ पॉजिटिव पहले दिख जाए निगेटिव हम लोग मान के नहीं चलते, अर्थात मित्र राशि का ही बोलना उचित है। और लग्न से चतुर्थ है ये देखना है, अष्टम स्थान से भी ये स्थान नवम का होता है, इसीलिए चतुर्थ में मंगल को अच्छा ही माना जाता है। अब दृष्टियों की बात कर लें, चौथी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, शादी वाले जिंदगी में परेशान करेंगे, मंगल चतुर्थ में मांगलिक भी कहा जाता है, हम लोग आगे मंगल दोष वगैरह मांगलिक वगैरह भी पढ़ लेंगे। अब चतुर्थ के बाद सप्तम दृष्टि, जिसको आप लोग कहेंगे उच्च दृष्टि नहीं कहना है, सप्तम दृष्टि से यदि वो करियर स्थान को देख रहे हैं तो सहकर्मियों के साथ हमारा बने ना ऐसा संभव है, और मंगल की एकादश स्थान की दृष्टि है, बॉस के साथ हमारा खटपट हो, बड़े भाई से विचारों का मिलना ना हो, ये संभव है, ये दृष्टियों का दोष है, ये आपको मान के चलना होगा। और यदि आप इसको मान करके चलेंगे तो आप रिजल्ट जरूर प्राप्त करेंगे। तो कितना सरल था ना समझना, मंगल के गुण स्वरूप के देख को समझिए, उसके दृष्टियों को समझिए। जब आप साधारण रूप से ना फलित सीख जाएंगे तब द्विपाद दृष्टि त्रिपाद दृष्टि आदि आदि की भी बात हम करेंगे। क्रम नहीं छूटे आपका, इसका ध्यान रखिए, चाहे वो फलित ज्योतिष का क्रम हो, भावार्थ रत्नाकर का क्रम हो, गोचर फल का क्रम हो, दशा फल का क्रम हो, कोई क्रम न टूटे, देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा। आपके लिए इतना ही कहेंगे कि कोई परेशानी हो जाए तुरंत फोन कीजिए, आपको सहायता प्राप्त होगी। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।